कसरावत तहसील का ग्राम पीपलगोन तहसील का सबसे बड़ा ग्राम है। 25 साल पूर्व यहां उप मंडी की स्थापना की गई थी। इस मंडी में लगभग 45 ग्राम जुड़े हुए हैं, मगर मंडी कई दिनों से बंद है, जिस कारण किसानों और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासी बताते हैं कि अभी तक दो ही बार मंडी लगी है, जब से बंद ही पड़ी है। यह उप मंडी किसानों के लिए सरकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सफेद सोना कहे जाने वाला कपास यहाँ का किसान अधिक मात्रा में पैदा करता है। यह मंडी चालू हो जाती है तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसान सकुर खान और काटन व्यापारी रंजीत सिंह चौहान ने भी उप मंडी चालू करने की सरकार से मांग की है। ग्राम पीपलगोन दो तहसीलों को जोड़ने वाला और बढ़वा कसरावत का मध्यस्थ ग्राम है। पीपलगोन से संजय जोशी और मोतीलाल कर्मा की रिपोर्ट। हेलो, जय हिंद, जय भारत, जय किसान। पीपलगोन कसरावत मंडी क्षेत्र से व्यापारी हूँ। यहाँ पर 100 रोज की 10 से लेकर 150 क्विंटल तक की ताजी आवक है। 5-6 व्यापारी हैं और यहाँ मंडी पिछले 2 साल पहले से बंद है। हमारा नरकमल मंत्री जी से निवेदन है कि पीपलगोन में मंडी चालू है। मैं पीपलगोन कसरावत मंडी क्षेत्र से एक व्यापारी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पीपलगोन में मंडी पिछले 2 साल से बंद है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि पीपलगोन क्षेत्र में मंडी चालू करें और यहाँ पर व्यापारियों का उत्साह बढ़ाएं और व्यापार मंडी में अच्छा हो, इसकी जागरूकता बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। पीपलगोन में हो रही है, 200 से 250 क्विंटल की आवक हो गई है। हमारे किसान भाई का जो कहना है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सकुर खान। क्या कहना चाहते हैं? पेपर कपास का भाव मंडी चालू करो और क्या। अच्छा अच्छा, तो कब से मंडी बंद है यहाँ की? मंडी तो बहुत टाइम में तुकाराम के टाइम से, तुकाराम भाई के। अच्छा, मंडी बन गई है अभी? अच्छी बढ़िया, मंडी तो एक नंबर बन गई। चालू नहीं हो रही है? चालू नहीं। क्या चाहते सरकार से? मंडी चालू करो और क्या। अच्छा, इससे किसानों को भाव मिलेगा? उससे किसानों को भाव मिलेगा, व्यापारी बढ़ भी जाएंगे, ये व्यापारी नहीं तो लोगों को चूतिया बनाएंगे। आपके यहाँ किसान पैदा कपास पैदा हो गया है? कपास क्या दिया से अभी? हमारे किसान भाई का कहना है कि मंडी चालू हो और किसान वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमारे सकुर भाई वगैरह ऐसे कई किसान हैं जो यहाँ से लाभान्वित होंगे। आसपास का क्षेत्र बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। भगियापुर, ससावड़, तेलियाओ, जिरबार, लोंदी, सारे किसान यहाँ पर आकर, पहले मंडी में किसान कपास बेचता था परंतु मंडी बहुत दिनों से बंद है, मंडी को चालू करें। यहाँ के किसानों को कहना है। SW24 से संजय जोशी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।